जी बोर्ड। इससे पहले जो क्यू बोर्ड आया था वो इतना अच्छा नहीं था। वैसे अच्छा था लेकिन उसमें इतने सारे फीचर नहीं थे जो कि अब जी बोर्ड में है। जी बोर्ड में बहुत से फीचर है, जैसे कि नंबर रो, हम उससे बहुत सी चीज़ें कर सकते हैं, जैसे कि न्यूज़ फेच कर सकते हैं। ये ऐप अभी अभी रिलीज़ हुआ है, चलिए देखते हैं हम इससे क्या क्या कर सकते हैं। हम इसे कैलकुलेशन भी कर सकते हैं, सर्चिंग भी कर सकते हैं, अपनी लोकेशन भी देख सकते हैं, किसी को सेंड भी कर सकते हैं और किसी मूवी की IMDB रेटिंग भी देख सकते हैं। और जो चीज़ हमें चाहिए हम वहाँ से सर्च कर सकते हैं, या फिर किसी फिल्म या फिर किसी मूवी की रेटिंग या जो भी चीज़ है, किसी फोटो हम शेयर भी कर सकते हैं इसमें से एक ऑप्शन। नेक्स्ट ऐप है अ पावर मिरर। दोस्तों ये अभी न्यू ही है। दोस्तों ऐसे बहुत से ऐप आ चुके हैं लेकिन इसके फीचर थोड़े से अलग है, क्योंकि हम इसे कंप्यूटर के साथ कनेक्ट करके कंप्यूटर से भी हम अपने फ़ोन को कंट्रोल कर सकते हैं, मतलब कि चला सकते हैं। बस आपको करना क्या है, अ पावर मिरर नाम का EXE फाइल आपको कंप्यूटर पर इंस्टॉल करनी है और अपने मोबाइल को वाईफाई या फिर USB से कनेक्ट करना है। हाँ जी, ये USB से भी चलता है और वाईफाई से भी। तो बाद में अपने फ़ोन को कंप्यूटर से कंट्रोल कर सकते हैं या फिर अपने फ़ोन को चला सकते हैं कंप्यूटर के द्वारा, और बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। वैसे मैंने इसे यूज़ करके देखा है, इसमें थोड़ी सी लैगिंग होती है जब ट्रांसलेट ऊपर नीचे करो, बट ये छोटे से प्रोसेस से सही हो सकता है। इट इज़ एन गुड ऐप, यू कैन यूज़ इट फॉर फ्री। ट्रस्टेड कॉन्टैक्ट, आप इस ऐप से किसी भी लोकेशन जान सकते हैं। ये नहीं कि किसी के भी, मेरे कहने का मतलब है अगर ये ऐप किसी के और के फ़ोन पे इंस्टॉल होगा, उसका आपके साथ कनेक्टिविटी होगी, आपके कंटैक्टों में उसका नंबर होगा और उसके कंटैक्टों में आपका नंबर होगा। अगर आप उसकी लोकेशन जानना चाहते हो, आपको करना क्या है, बस मुझे रिक्वेस्ट भेजनी है। अगर वो शेयर लोकेशन पे दबाएगा तो आपकी चले जाएगी, उसकी लोकेशन चले जाएगी। अगर वो नहीं दबाएगा तो 10 मिनट बाद अपने आप ही उसकी लोकेशन चले जाएगी और आप उसकी लोकेशन जा सकते हैं बिना किसी चिंता के। अगला ऐप है पिक्स आर्ट एनिमेटर। जी हाँ, पिक्सार ने एक न्यू ऐप लॉन्च किया है जिसका नाम है पिक्स आर्ट एनिमेटर। इस ऐप के 1 वीक में ही 1000 डाउनलोड्स हो गए हैं। ये ऐप बहुत ही अच्छा है लेकिन कुछ फिक्सेस होने चाहिए इस ऐप में। जैसे कि मैंने देखा है इस ऐप की कुछ लैग्स है, कुछ बग्स है, उसको ठीक कर रहे थे। यह बहुत ऐप अच्छा है। ये आपकी क्रिएटिविटी पे, आप कैसी ऐप बनाते हो, आप कैसी फोटो बनाते हो, ड्राइंग बनाते हो। ऐप है क्वार्ट्स। क्वार्ट्स क्वार्ट्स एक ऐसा ऐप है जिससे आप कोई भी न्यूज़ जान सकते हो। बस आपको करना क्या है, ये आपको इंस्ट्रक्शन देता रहेगा, आपको ऐसे ऑप्शन आएंगे, यानी सिंह गैस कोई भी न्यूज़ देता है तो अपनी अगली न्यूज़ देगा। बस आपको ऐसे न्यूज़ पढ़नी है। मेरे ख्याल से मैंने इस ऐप को यूज़ किया है, मुझे तो इतना अच्छा नहीं लगा क्योंकि ये आपके कहे मुताबिक न्यूज़ ही नहीं था, ये वही न्यूज़ देता जो कि न्यू आई है, ये पिछली अगली कोई न्यू न्यूज़ नहीं देता। थैंक यू। प्लीज़ लाइक माई वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर।